तो गाइस बेन स्टोक के ओवर की पहली गेंद पर यहां पर बोल्ड कर दिया था उन्होंने डेविड वार्नर को, लेकिन कहानी में ट्विस्ट जब आया, जब रिप्ले दिखाया गया और वो निकली नो बॉल, और उसके बाद डेविड वार्नर जो है वो वापस क्रीज में आ गए और दोबारा से उनको एक जीवन दान मिल गया और अब वो नाबाद पारी खेलने में सक्षम है और 50 उनके हो चुके हैं और अभी भी वो क्रीज पर मौजूद हैं। अगर वो आउट हो जाते हैं यहाँ पर तो 30-2 यहाँ पर स्कोर हो जाता ऑस्ट्रेलिया का और बहुत ही अच्छा होता वो इंग्लैंड टीम के लिए, क्योंकि उनका सिर्फ 147 स्कोर है और यहाँ पर अगर डेविड वार्नर लंबी पारी खेल गए तो ये यहाँ पर बहुत चुभने वाला है इंग्लैंड टीम को और बेन स्टोक को। बेन स्टोक ने आते ही एक बहुत ही बेहतरीन डिलीवरी कराई थी लेकिन वो नो बॉल निकली, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने एक नो बॉल और कराई, तो देखते हैं कि बेन स्टोक आगे अपनी फॉर्म में कैसे आते हैं। तो क्या चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, कि मैं शानदार वीडियो न्यूज़ एंड अपडेट्स आपके लिए लाता रहता हूं। अगली वीडियो मुझे बहुत जल्द आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो गाइस बाय।